हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज जो है हम घर पे अकेले हैं और ढेर सारे कपड़े हैं जो होली के हमने अभी तक नहीं धुले हैं। होली के बाद से, होली वाले तो धुल गए थे। और घर पर अभी जो है जो रुचि है वो अपने मायके जा चुकी हैं, होली के बाद से तो अभी तक आई नहीं है। तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। ये सारे कपड़े हो गए और मतलब ढेर सारे काम हो जाते हैं जो कि वो संभाले रहती थी, अभी वो नहीं है और फिलहाल जल्दी ही आ जाएंगी। तो इसी वजह से आज मुझे ढेर सारे कपड़े धुलने पड़ रहे हैं। तब तक मैंने अपने घर बहुत ही बढ़िया से गमले सजा दिए हैं, ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ आप लोग। तो गाइस, पूरा ब्लॉग देखने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, हमने ये पौधा लगाया हुआ है घर पे, इसका नाम बताओ कमेंट में। तुलसी देखो हमारी कितनी बढ़िया लग रही है, बिल्कुल हरी भरी। साथ में ये देखो एलोवेरा का भी है। कल रात दोस्तों का भी फोन आया, वो आगरा एक्सप्रेसवे के थ्रू जा रहे थे, बोले कि भाई चलो अयोध्या घुमा लेते हैं, बट यहाँ पर अभी कोई था ही नहीं घर पे, तो हम जा भी नहीं सकते थे। सो इस वजह से हमने अभी अयोध्या का प्लान कैंसिल कर दिया, समझ रहे हो। अब नहीं तो आज मैं अयोध्या में होता, कितना मज़ा आ रहा होता, सोचो। खैर कोई नहीं, फिलहाल कपड़े धुलते हैं, सारी की सारी जेबें चेक कर लें, कुछ पैसे वैसे तो नहीं पड़े। हाँ, मिल गए पैसे। ये देखो, रिश्तों से क्या बोलते हैं, लाइन सिक्कों से ज़्यादा तो रिश्ते गिर गए हैं, तो वही वाली मतलब हाल है। तो सिक्के गिर रहे हैं, उससे पहले रिश्ते गिर चुके हैं, ठीक है। और ये रहा टी शर्ट, सबके सब उठाओ। और तब तक हम कपड़े धुलते हैं, तब तक आप लोग जो है ना इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं वापस आता हूँ फिर जल्दी से। कैप तो रही गई थी, इसको भी धुल देते हैं लगे हाथ, है ना, बहुत दिन हो गए धुली नहीं है। हम लेके आ गए झाड़ू, आगे का पूरा साफ करना है, जहाँ गमले रखे हैं वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है। झाड़ू लग गई, धूल उल्टा, हवा उल्टा चल रही थी तो धूल उड़ के ऊपर ही आ रही थी एक तरह से। आ गए ऊपर, क्योंकि हमें ऊपर जाल खोलना है। कल इतनी तेज आंधी आई हुई थी कि पूछो मत, धूल और पानी के डर की वजह से हमने जाल पूरा ढक दिया था। अभी जाल खुल गया और ऐसे ही कर रहे हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं। अभी कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे, तब तो वो फूल जाएंगे, थोड़ा साफ करने में आसानी होगी। सो फाइनली कपड़े धुल गए। ये देखो, ये पिंक पिंक हो गई है। तो भाई, आप सारा काम हो गया, आप बस कपड़े धुल के नहा लेते हैं। अभी ये वाले कपड़े भी धुलने होंगे ना भाई, ये भी तो गंदे हो गए। और खाना वगैरह खाते हैं, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। बस फाइनली नहा चुके हैं और अब जो है हम अपना काम करेंगे। और आज हम कुछ सवाल पूछेंगे, उनके जवाब आप लोग को देने होंगे, ठीक है। वो सवाल होंगे हमारे लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए, और जो लोग सवाल का जवाब दे सकते हैं वो लोग कमेंट में जवाब दें। अगर गलत होगा तो मैं उसको करेक्ट करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। हमने अपने लिए बनाई है पालक की सब्जी और पराठे प्लस रोटी, ये दो तीन चीज़ें बना के रेडी की हैं, क्योंकि अकेले हैं तो ज़्यादा कुछ बना नहीं पाए। आज मेरा जो सवाल है आप सभी लोगों से, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, और इसमें पहले कितनी सीटें थी, इसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। सो आप लोग इसका जवाब जो है हमें कमेंट करके दे सकते हो, और जिनको नहीं पता है वो लोग एक बार देखो जाकर, क्योंकि वोटिंग होने वाली है। जिनका भी अभी तक वोटर पहचान पत्र नहीं बनाया वो भी बनवा लो, ठीक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है शुरू होने वाले हैं और इसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शोर मचा हुआ है। जिसको जो मन आ रहा वो बोल रहा है। पहली बात तो नेताओं की बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि जिसके बारे में आपको पूरा भरोसा है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है, ठीक है। जितना ज़्यादा झूठ उतना ज़्यादा उसका प्रकोप, तो इसलिए आप लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ो, जानो, और कितना सीटें हैं इसके बारे में बताओ, ठीक है। और तब तक हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, ठीक है, बाय। आज के लिए बस इतना ही। हमने देखो इसके अंदर बर्फ़ रखी है,
और गर्मी ज्यादा हो गई है, तो हम जो है ना कितना अच्छा लग रहा है। गोरा होने की नई टेक्निक, ठीक है, जिसको गोरा होना हो बर्फ जमा दो आजकल और ऐसे ऐसे लगाते रहो, मजा आ रहा है।